most welcome to my channel Parni's Vlogs. So guys, today in this video I'm gonna share with you an extremely unique recipe, which is chicken rashmi curry. So not being further more delay, let's have a look at the recipe. So everyone, this is the all ingredients which we need for our chicken rashmi curry, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 500 grams of chicken with bones. और यहाँ पे मैंने लिया है 3 बड़े साइज के प्याज roughly chopped, 1 बड़ा साइज का लहसुन की कलियां, गार्लिक पेस्ट, हाफ लेमन, जिंजर पेस्ट. यहाँ पे एक इंच साइज का अदरक को मैंने टुकड़े में कट कर लिया है. और खड़े मसाले में मैंने एक बड़े साइज के तेज़पत्ता लिया है, और लिया है एक बड़ा साइज का दालचीनी का टुकड़ा, 6 से 7 लौंग और 3 इलायची. और मसाले में मैंने लिया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरा पाउडर, नमक, काले मिर्चों का पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और गरम मसाला पाउडर. और यहाँ पे मैंने लिया है दही 3 टेबलस्पून, मतलब मैंने इस बड़े चम्मच से मेजर करके 3 चम्मच दही ली है. अगर आप लोग हार्ट कट लोगे तो आप लोग इस छोटे चम्मच के साइज से ले लेना. और मैंने लिया है फ्रेश क्रीम अमूल का, और यहाँ पे मैंने लिया है 12 कैश्यू नट्स. तो सबसे पहले हम अभी चिकन को मैरिनेट कर लेंगे. तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल, जिसमें मैं अभी 500 ग्राम्स चिकन डाल दूंगी. अभी हम इसमें मिलाएंगे 3 चम्मच दही, 1 टीस्पून सॉल्ट, अप्रॉक्स 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट एंड 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर. और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून ऑफ फ्रेश क्रीम. और अभी लास्ट में मैं ऐड करूँगी 1/2 लेमन, मतलब 1/2 लेमन का जूस. अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अभी हम इसको ढक के 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे. फॉर प्रिपेयरिंग द करी, हियर आई टेक माई करी पैन. अभी मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दूंगी. तो तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुके हैं, तो अभी मैं इसमें खड़े मसाले ऐड कर दूंगी. नाउ जस्ट सॉर्टिंग दिस फॉर 15 to 20 सेकेंड्स. आफ्टर 15 to 20 सेकेंड्स अभी मैं इसमें जो 3 बड़े साइज के प्याज हमने रफली चॉप कर लिए थे वो मैं इसमें डाल दूंगी. तो प्याज के साथ ही मैं डाल दूंगी जो 1 इंच साइज का अदरक का टुकड़ा हमने लिया था वो, 12 कैश्यू नट्स और 1 बड़ा साइज का लहसुन. अभी प्याज को एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे. तो यहाँ पे हमारे प्याज अच्छे से भून गए हैं, तो अभी हम इस मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे. तो यहाँ पे हमारे प्याज रूम टेम्परेचर में आ चुका है, तो अब मैं इससे खड़े मसाले अलग कर लूँगी. तो मैंने यहाँ पे खड़े मसाले को अलग कर लिया है. सारे अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब तेज़पत्ता, दालचीनी और 1-2 इलायची कम कर लेना तो ही हो जाएगा. तो अभी मैं इसको मिक्सी में चर्न कर लूँगी. तो इसको मिक्सी में ट्रांसफ़र कर देने के बाद अभी मैं इसमें ऐड करूँगी अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर. अभी हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे. तो मैंने यहाँ पे इसको एकदम स्मूथली पेस्ट बना लिया है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर. नाउ इन द सेम करी पैन मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑफ बटर. सो जब हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम इसमें जो ग्राउंड पेस्ट हमने किया था वो भी मैं पूरा डाल दूँगी. और इसको एकदम तेल छूटने तक हम भून लेंगे. इसी बीच मैं मिक्सी के जार को धो के अराउंड 1/4 कप के करीब पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी. पानी को अच्छे से सुखा लेने के बाद अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट को मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, अराउंड 1/2 टीस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर एंड जस्ट अ पिंच ऑफ हल्दी पाउडर. यहाँ पे हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, इससे एकदम अच्छे से तेल छूट रहा है. एंड एट दिस स्टेज हम इसमें चिकन डाल देंगे. चिकन को मैंने करीबन 1.5 घंटे तक मैरिनेट करके रखा था,
तो अभी मैं इसमें पूरा चिकन डाल दूंगी। अब चिकन को मसाले के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। तो सारे मसालों के साथ अच्छे से चिकन को कोट करने के बाद अभी हम इसको मीडियम फ्लेम में 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पे चिकन को 7-8 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 यानी कि 1/4 कप ऑफ फ्रेश क्रीम। अब इसको अच्छे से ग्रेवी के साथ मिला लेंगे। फ्रेश क्रीम ऐड करके मिलाने के बाद अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप ऑफ वाटर और पानी को भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। तो पानी को मिला लेने के बाद अभी मैं फ्लेम को एकदम लो कर दूंगी और इसको ढक के 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। सो इट्स बीन 15 मिनट्स और हमारे चिकन अच्छे से पक गए हैं। तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी जस्ट अ पिंच ऑफ कसूरी मेथी। इसको भी मैं हाथ से अच्छे से क्रश कर लूंगी और इसमें मिला दूंगी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। सो धनिया और कसूरी मेथी को मिला लेने के बाद अभी हमारा चिकन रेशमी करी बिल्कुल तैयार है। तो अभी मैं इसको सर्व कर लूंगी। सो एवरीवन, दिस इज द फाइनल लुक ऑफ आवर चिकन रेशमी करी। इजंट इट लुक सो डिलीशियस? सो मैं तो आज इसको पुलाव के साथ एंजॉय करने वाली हूँ और आप लोग भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करो और मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। सो एवरीवन, आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो अ लॉट एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स। फॉर नाउ बाय।